दोस्त राधे राधे नेचर पे आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको कार्तिक के महीने में आंवला दीपदान कैसे करना है, क्योंकि कार्तिक के महीने में अगर आप आंवला दीपदान करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इससे आप निरोगी रहेंगे और आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और इससे आपको बहुत ज्यादा पुण्य मिलेगा। इससे आपको गौदान तक का पुण्य मिलता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले आपको आंवले में एक ऐसा छेद करना है, इसके बीच तक एक में कर दे, एक में भी मैं करता हूँ, पहले आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। तो इसको सबसे पहले आप देखिए चारों भागे जो लाइन्स है इनको काट देंगे। तो मैंने तो पहले काट दिया था, अब हम इसे बीच में से काट देंगे। तो देखिए इस प्रकार से पीसीस हो जाएंगे। फिर हम इसको बीच में से खोखला कर देंगे, स्कूप आउट कर देंगे। तो देखिए मैंने दोनों को खोखला कर दिया है बीच में से। अब हम इसमें डाल देंगे बत्ती, ये देखिए जो गोल वाली बत्ती है वही डालेंगे हम। तो अब हमने बत्ती डाल दिया है, तो अब हम चंदन से टीका लगा देंगे। हम इन्हें सजा देना है अच्छे से, आपको इन दीपकों को पूजा कर लेनी है। हमने रोली भी लगा दी है देखिए। फिर तो देखिए हमने टिक्की कर दी है, हम इसे जला देंगे। तो अब हमने इन्हें जला दिया है। तो देखिए हमने आंवले को दीपदान कर दिए। अब हम इस पर चावल अर्पित करेंगे इस प्लेट की जगह पूजा कर दी। अब हम एक एक दीपक अपने मंदिर में रख लेंगे। देखिए एक दीपक हम अपने मंदिर में रखेंगे, आंवले का दीपक एक रखेंगे तुलसी जी के पास। तो देखिए अब हमने एक मंदिर में रख दिया है और एक तुलसी जी के पास रखेंगे। तो देखिए हमें तुलसी जी की गमला दोनों, और ये देखिए नीचे हमने आंवले का दीपदान कर देंगे। एक आप चाहे तो मंदिर में भी कर सकते हो, ज्यादा अच्छा होगा। तो हमने यहाँ पे भी दीपदान कर दिया तुलसी जी के पास। तो ऐसे करना है आपको आंवले का दीपदान। तो ये बहुत शुभ माना जाता है आंवले का दीपदान करना। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और ज़्यादा पसंद हो तो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक राधे राधे हरे कृष्णा, और आप सभी को जय माता दी।